नहीं चलेगा। 6000 का जुमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक नहीं सम्मान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। ठीक नहीं सम्मान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। ठीक नहीं सम्मान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। विसंगति नहीं घोटाला है, यूपी का घोटाला है। विसंगति नहीं घोटाला है, यूपी का घोटाला है। मंत्री नहीं बवाल है, पिछड़ों का काल है। मंत्री नहीं बवाल, 21 वाला आरक्षण देना होगा, आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण। लगातार भावी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। उसी क्रम में समझ लेते हैं 69 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने का विरोध कर रहे आरक्षण पीड़ित व्यक्तियों ने बुधवार को भी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। लखनऊ के डालीबाग बाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आरक्षण पीड़ित OBC SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने 6000 पदों की भर्ती निकाले जाने पर सरकार को गंभीर चेतावनी दे दी है। लखनऊ के इको गार्डन में 196 दिन से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी पिछले रविवार से लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के डॉलीबाग स्थित आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भी प्रदर्शन करने पहुंचे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 27% OBC और 21% अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं करती है, तब तक वह लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि 6000 पदों पर भर्ती का झुंझुना उन्हें स्वीकार नहीं है। जब घोटाला 18000 पदों का है तो भर्ती केवल 6000 पदों पर क्यों की जा रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में OBC वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.16% आरक्षण मिला है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला है। OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 18,598 सीटों में से मात्र 2,637 सीटें ही मिल पाई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। 6 दिन पहले जब अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने OBC को 27% और SC वर्ग को 21% आरक्षण दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है और सीटों का घोटाला हुआ है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया और अल्टीमेट उन्होंने एक संदेश दे दिया है आत्महत्या करने का। बेस शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। वीडियो बनाया में विद्यार्थियों ने कहा है कि अगर 6000 पदों पर भर्ती की कोशिश की गई तो कई अभ्यर्थी आत्मदाह कर इसका विरोध करेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो अब आत्महत्या तक की बात उन्होंने कह दी है। अब देखना यह है कि अभ्यर्थी 6000 पदों को मानने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारियों से वार्ता के अनुसार पता चला है कि अब अधिकारीगण चाह रहे हैं कि अब ऐसा कोई विवाद ना पड़े जिससे कि कोर्ट केस या धरना प्रदर्शन हो। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीटें बढ़ सकती हैं। अब कितनी सीट बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी सीक्रेट हैं। अब जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी सटीक जानकारी के साथ, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुँचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।